पुलिस इतना भी बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं, कैसे शुरुआत करें? कुछ ऐसा है जो जिसने गोली करने के इसके आसपास से एक रोक किया है, मास है एमोन, मास है यहाँ पर मान लीजिए इफ एमोन इज ग्रेटर देन एम टू। अब ये बताइए अगर एमोन एम टू से बड़ा होगा तो कुछ मोशन ऐसा होगा आया ना नीचे की तरफ ऐसा जाएगा, अगर एक्सेलरेशन का डैश कर दूँ तो कुछ ऐसा होगा ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। बताओ देखा जाए तो सिंगल रोप है तो टेंशन क्या होगा, टी मान लेते हैं सिंगल रोप है तो टेंशन क्या होगा, टी मान लेते हैं। नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पर एमोन जी, यहाँ फोर्स कितना लग रहा होगा एमोन जी, ऐसे काम हो गया। अब दोनों को एक एक करके जरा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इस एमोन पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, तो नीचे एमोन जी लग रहा है, टेंशन टी ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है डाउनवर्ड है। अगर ध्यान से देखा जाए तो किस एक्सेलरेशन के सपोर्ट में है ये वाला फोर्स, तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं मैं किस फोर्स में से टेंशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाला क्या है इसके सपोर्ट में और ये वाला क्या है इसके अगेंस्ट में। तो आप लिखते हैं अगर एम वन जी लिखते हैं तो हो जाएगा एम वन जी माइनस टेंशन टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज एम वन इनटू ए, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखें तो एक्सेलरेशन ऊपर पर दो फोर्स काम करने कौन कौन से, टेंशन टी ऊपर और एम टू जी नीचे। अगर ध्यान से देखा है तो टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है और ये वाला इसके अगेंस्ट में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा टी माइनस एम टू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम टू इन टू होगा। अगर आप दोनों को ऐड कर दें फाइंड क्या करना है तो एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं और दूसरा आपसे कह सकते हैं टेंशन फाइंड करने के लिए दो चीजें कह सकते हैं। अगर आप दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, ये टेंशन हमारा कैंसिल होगा, क्या बचेगा एम वन जी माइनस एम टू जी एक बार ए बाहर ले लीजिए जो जाएगा एम वन प्लस एम टू इन टू ए, इसको डिवीजन ले लीजिए जी कॉमन ले लीजिए, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा सेम होगा, ये हो जाएगा एम वन माइनस एम टू ब्रैकेट क्लोज जी से मल्टीप्लाई करने हैं डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ये रहा एक्सेलरेशन, ये रहा एक्सेलरेशन। जल्दी जल्दी शुरू है, जल्दी शुरू है। अभी ध्यान से लेंगे। अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, ये ब्लॉक है रोक था और ये सिस्टम ऐसा था, कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ था और फॉर्मूला ये लगाया जा रहा था, बस समझ गया ना। देखिए भले ही यहाँ दो मास है कैसा सेटअप है ये भी देखना, यहाँ भी दो मास है ठीक है आप सही है एक कुली है सही है, सेटअप कैसा है ये भी देखना, बस समझ गया ना। फिर से देखेंगे इसको बोलते हैं एटवुड मशीन, नाम है कुली सिस्टम इसको बोलेंगे, सिंगल कुली है दोनों तरफ मास अटैच है एक रोप है, अगर M1 M2 से बड़ा होगा तो M1 M2 से अगर बड़ा है तो M2 ऊपर जाएगा M1 नीचे जाएगा, बेसिक लॉजिक कहते हैं, बस समझ आ गया। ये ऊपर है ये नीचे क्यों जाएगा, नीचे फोर्स यहाँ भी M1 जी लग रहा होगा, नीचे फोर्स यहाँ भी M2 जी लग रहा होगा और सिंगल रोप है, टेंशन अगर टी यहाँ है तो टेंशन टी यहाँ भी होगा, सिंगल रोप है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन लिखना है, दो मेथड देखेंगे एक नॉर्मल मेथड और फिर एक मेथड जब आपको ये आ जाता है तो फिर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, दोनों मेथड देखेंगे। अगर इस ब्लॉक को आप देखें तो इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक एम वन जी नीचे टेंशन टी ऊपर ठीक है ना, एक्सेलरेशन के सपोर्ट में कौन है पहले इसको देखिए, इसके डायरेक्शन में ये है और इसके अगेंस्ट ये है, नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, तो सपोर्ट में है माइनस अपोज में, सपोर्ट में है माइनस अपोज में इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफनेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर आइए नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए आप लिखेंगे, अगर आप ध्यान देखें तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टेंशन है और इसके अकॉर्डिंग में एम टू जी, इसमें नेट फोर्स क्या लिखेंगे जो सपोर्ट में है माइनस अगेंस्ट में, सपोर्ट में माइनस अगेंस्ट में इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डाउट यार
अब क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा तो बारीकी से चीजों को देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखें ये पूरा सिस्टम क्या कह सकते हैं, जो टेंशन रोक में लग रहा है सिस्टम का इंटरनल एक्शन रिएक्शन, जो टेंशन रोक में लग रहा है सिस्टम का क्या है इंटरनल एक्शन रिएक्शन है। और जब चैप्टर स्टार्ट होता है मैंने बोला था नेट जो इंटरनल एक्शन रिएक्शन है वहाँ पर क्या होते हैं कैंसिल होते हैं, जब आप ऐड कर रहे हैं वही कैंसिल होगा। लास्ट में कह रहा है M1G माइनस M2G इक्वल्स टू M1 प्लस A कॉमन ले लेंगे M1 प्लस M2 A डिवीजन में आ जाएगा, तो M1 माइनस M2 M2G अपॉन M1 प्लस M2। एक तो जब ऐसा सिस्टम दिया हो तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको रिजल्ट याद हो। दूसरा अगर मान लीजिए टेंशन से पूछा गया तो हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये ले लें या फिर ये ले लें, टेंशन में मिल जाएगा। तो इस तरह की चीजों दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो हमसे एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, दूसरा रोक में जो टेंशन है। अब कोई भी क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए वाले क्वेश्चन लेते हैं क्या हो जाएगा, ये M1G माइनस D इक्वल्स टू M1A होगा। एक बात बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू इसको एक साइड लेते हैं ये हो जाएगा M1G माइनस M1A आया ना, माइनस इधर जाएगा वापस आ जाएगा, M1A इधर आएगा माइनस हो जाएगा। आप कॉमन लेंगे यहाँ पर M1 बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा G माइनस क्या बुक करेंगे ए की जगह पर आज ही मतलब ये वैल्यू यहाँ पर बुक करेंगे, टी को हमारे पास आएगा M1 इन ब्रैकेट जी माइनस ए हमारे पास हो जाएगा M1 माइनस M2 इनटू जी अपॉन M1 प्लस। ठीक है मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है, अगर ध्यान देखा जाए तो हो जाएगा टी इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल क्या हमारे पास आएगा तो M1 इनटू M2 अच्छा ये ट्वाइस है दो ने यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा ट्वाइस M1 M2 इनटू जी अपॉन M1 प्लस। अब देखिए दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, फर्स्ट आपको ये बेसिक एनालिसिस भी आना चाहिए, आपको ये एंड रिजल्ट याद होना चाहिए और आपको ये वाला फॉर्मूला लास्ट याद होना, मतलब ये पता हो कि अगर ऐसा सेटअप है तो क्या पूछेगा हमसे, ये भी पता होना चाहिए। अगर ऐसा सेटअप है हमसे टेंशन पूछेगा स्ट्रिंग में और एक्सेलरेशन पूछेगा इंच ब्लॉक में, ये दो चीजें पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपको ये भी याद हो कि ए इक्वल्स टू M1 माइनस M2 जी अपॉन M1 प्लस M2 M1 माइनस M2 ही क्यों, क्योंकि हमने माना है M1 इज ग्रेटर देन M2, अगर रिवर्स मानते हैं तो रिवर्स आता, नीचे एडिशन है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यहां पर है टेंशन, कैसे करेंगे हमें 2 M1 M2 जी अपॉन M1 प्लस M2, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो आप ऐसे जाएंगे, जब सब्जेक्टिव नहीं है तब आप मतलब इसको प्रॉपर दैट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आता है मेथड पे, ये तो हो गया पूरा लॉन्ग मेथड। एक बात बताइए एक ये इस तरह से भी सोचा जाएगा तो क्या सोच सकते हैं क्या, ये देखिए अगर इसको पूरा सिस्टम मान लिया जाए, इसको पूरा सिस्टम मान लिया जाए, आपने इसको अलग से लिखा इसको अलग से लिखा आपने ऐड किया रिजल्ट आया हमारे पास, क्या इसको हम ऐसे सोच सकते हैं क्या इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना, इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स M1G नीचे और M2G भी नीचे और अंदर वाला फोर्स है तो सिस्टम का हिस्सा है उसको देखना ही नहीं है, ये जो टेंशन है वो सिस्टम का हिस्सा है इसको देखना ही नहीं है। एक्सेलरेशन फिर आप ध्यान से देखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, अगर आप एक्सेलरेशन नेगेटिव मान लेते हैं, मान लीजिए आपने गलती से इसको ऊपर मान लिया इसको नीचे मान लिया, क्वेश्चन सॉल्व किया हमारे पास डेटा नहीं दिया है और हमें आइडिया भी नहीं लग रहा हम किधर माने, आपको फ्री आप जिधर भी मानिए बस देखिएगा मोशन के डायरेक्शन में अगेंस्ट में मानिएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल मानने का मतलब है क्या नहीं, मैं या तो ऐसा मानूंगा या तो ऐसा मानूंगा, अगर ऐसा मानता तो बस इतना ही फर्क पड़ता है आंसर नेगेटिव होगा, अगर मैं इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन मानता बस इतना ही फर्क पड़ता तो आंसर क्या आता नेगेटिव में आता, नेगेटिव में इट मींस कि हमने जो डायरेक्शन माना है वो गलत माना, बात समझ में आ गया। अब देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है, ये पूरा सिस्टम में कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ये ऊपर है ये डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन को देखकर बताइए मोशन के सपोर्ट में कौन सा फोर्स है, एक्सेलरेशन को देखकर बताइए मोशन के सपोर्ट में कौन सा फोर्स है, क्या इसका डायरेक्शन मैच कर रहा है, ये इसके सपोर्ट में है, क्या इसका डायरेक्शन
अपोजिट है, ये इसके अगेंस्ट में है, ये होता है अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एफनेट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफनेट अपॉन टोटल मास। अगर आप ध्यान से देखें तो एफनेट क्या होगा, यहाँ दो फोर्सेज है, एक सपोर्ट में है तो एक अगेंस्ट में, तो आप क्या करेंगे सपोर्ट माइनस अगेंस्ट। आप लिखेंगे यहाँ पर एफ सपोर्ट माइनस एफ अगेंस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब सिंपल सा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सपोर्ट में m1g माइनस अगेंस्ट में m2g। आप g कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 into अपॉन टोटल मास। देखिए टोटल मास में सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं देखना है आपको, बस ये देखना है कि इस एक्सेलरेशन से कौन कौन चल रहा है, बात समझ आ गया ना। टोटल मास में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, अगर हम लेकर आएंगे तो और भी मास से जाएंगे के बजाय पता है कौन सा मास ले कौन सा ना ले। तो हमें टोटल मास में बस ये देखना है कि इस एक्सेलरेशन से कौन कौन सा मास चल रहा है, बस उन्हें मैं ऐड कर देना है m1 plus m2। अगर किसी कंडीशन में अपोजिट मान लेते हैं तो आंसर नेगेटिव है, बहुत ज्यादा गलती नहीं होगी, बस आंसर आपका माइनस में आएगा।